कोर्ट से घर लौट रहे झारोकड़ी गांव के रहने वाले न्याज मोहम्मद एडवोकेट पर पुरानी रंजिश के चलते बिछोर गांव के समीप गाड़ी में सवार होकर आए दर्जन भर लोगों ने जानलेवा हमला बोल दिया। इस मौके पर हमलावरों ने कई फायर भी किए, जिनमें से एक फायर न्याज मोहम्मद वकील के पैर में लगा। शोर शराबे की इस आवाज को सुनकर पास में ही ट्रैक्टर चला रहे एक युवक ने जब शोर मचाया तो हमलावर एडवोकेट को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे लोगों ने जैसे तैसे एडवोकेट को नल्लड़ अस्पताल पहुंचाया। जैसे ही इस घटना के बारे में अन्य वकीलों को पता चला तो सभी ने इस मामले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बिछोर थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वकील साहब, कल देर रात एक एडवोकेट पर हमला किया गया था, क्या मामला था? हमारे अधिवक्ता न्याज मोहम्मद के साथ जो है निंदनीय घटना हुई है, हम इसका घोर विरोध करते हैं और जिन्होंने किया है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। दरखास्त हमने थाना प्रबंधक महोदय बिछोर को दे दी है और जल्द ही इंशाल्लाह उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आगामी कार्रवाई जहां तक हमें जाना पड़ेगा न्याय के लिए हम जाएंगे। हम जितने अधिवक्तागण मेवा डिस्ट्रिक्ट नुहू फिरोजपुर बार एसोसिएशन के जितने भी अध्यक्षगण हैं मिलकर इस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और हम न्याज मोहम्मद जी के जी जान से साथ हैं और इस लड़ाई को संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, चाहे हमें कहीं तक ही जाना पड़े। मेरा नाम जान मोहम्मद है। वकील साहब, क्या लगते हैं न्याज मोहम्मद? न्याज मोहम्मद मेरे भाई है जी। कल न्याज मोहम्मद वकील साहब पर जो देर शाम हमला किया गया था, क्या मामला था? वो कुछ मामला नहीं था सर, अपने कोर्ट से आ रहे थे जो सरोजना के तरह आते हैं शाम को तकरीबन 7 बजे के करीब जी। वो चाइना भट्टा होते हुए जो बिछोर के लिए रास्ता जाता है जी रोड, वो उसके आ रहे थे जी। वहाँ एक गाड़ी पहले ही खड़ी थी जी, एक गाड़ी उसके पाछे लग रही थी जी, एक गाड़ी उसके आगे लगा के भी तकरीबन कोई उसे फायर किया और उसे उसने लोग शीशे किए हुए थे जी, वो निकल नहीं पाया जी। उसने फिर वो शीशे तोड़े जी और उसके पैर में गोली मारी जी, फिर उसको बाहर खींच के नीर नो लगा ले खूब लाठी डंडों से खूब। घटना की निंदा करते हुए अधिवक्ताओं ने कहा है कि इस मामले को लेकर वे शांत नहीं बैठेंगे, जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि बिछोर पुलिस अधिवक्ता के हमलावरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। ITV हरियाणा के लिए नुहू से मुस्तफा खान की रिपोर्ट।